नव वर्ष में पूर्णिया के लालगंज स्थित फन सिटी पार्क बनी लोगों की पहली पसंद। जानिए वहां क्या क्या है खास। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपने परिवार के साथ घर से बाहर जाकर मनोरंजन करने का बहुत कम मौका मिलता है, और लोग भी चाहते हैं कि एक ऐसा स्थान हो जहां एक ही जगह पर कई सारी सुविधाएं मिले और अपने फैमिली के साथ समय बिता सके। ऐसे में पूर्णिया के लोगों को अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर से महज कुछ ही दूरी पर नेवालाल चौक के समीप लालगंज स्थित फन सिटी पार्क है, जहां आपको कई एकड़ में फैला हुआ खुला एवं स्वच्छ वातावरण में चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगा। सभी वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन के सभी साधन के साथ साथ खासकर बच्चों के लिए कई तरह के झूले की समुचित व्यवस्था है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब द रॉयल न्यूज की टीम नववर्ष 2021 के पहले रविवार को फन सिटी पार्क पहुंची, तो वहां का नजारा देख लगने लगा कि अब पूर्णिया भी मनोरंजन के क्षेत्र में अन्य बड़े बड़े शहरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। रविवार को पार्क में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, और वहां मौजूद अनेक लोगों से द रॉयल न्यूज की टीम ने बात की तो लोगों ने बताया कि इस पार्क में सभी वर्गों के लोगों के मनोरंजन की पूर्णतः व्यवस्था है। और वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर इस पार्क को और भी विकसित किया जाए तो पूर्णिया के लोगों के लिए यह पार्क सबसे पहली पसंद होगी, क्योंकि पूर्णिया में अभी भी बहुत कम पार्क हैं जहां लोग अपने परिवार के साथ जाकर मौज मस्ती कर सके। अभी हम हैं पूर्णिया शहर के नेवालाल चौक लालगंज स्थित फन सिटी पार्क में, और 2021 का आज पहला संडे है। यहां बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, और इसी दौरान हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से बात करेंगे और लोग यहाँ के बारे में क्या कहते हैं, इस पार्क में क्या क्या सुविधाएं हैं, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ अभी घूम रहे हैं दर्शक। बताइए इस पार्क में क्या क्या सुविधा है? सुविधा तो सारा चीज़ है, ठीक है, घूमने के लिए जगह, बच्चों के लिए खेलने। आप पहली बार आए हैं? जी हम तो पहली बार आए, फर्स्ट टाइम। और यहाँ के बारे में क्या खास लगा आपको? खास लगा कि ये शहर के बीच में, जो लालगंज एरिया है तो इधर बीच में पड़ जाता है, अच्छा भी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बड़े बुजुर्ग सब आ सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है जैसे अदर पार्क में होता वैसा। आप कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से ही है। आज 2021 का पहला संडे है और यहाँ पे काफी तादाद में लोग आए हुए हैं, और हम यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोगों से बात करेंगे कि इस पार्क में क्या खासियत है, लोग यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे एक भैया है, इनसे हम बात करेंगे। जी बताइए। पार्क तो बहुत बढ़िया बना है। आज आप लोग आए हुए यहाँ पे, 2021 का पहला संडे है, एंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या खासियत यहाँ पे है, क्या सब देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ हरियाली बहुत है। यहाँ के लोगों से कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिल रही है इस पार्क में। जी मैडम बताइए, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या सुविधा है इस पार्क में? यहाँ लोगों की सभी चीज़ की सुविधा है, आप प्रोग्राम देख सकते हो, यानी डांस देख सकते हो, गाने सुन सकते हैं, घूम सकते हैं, अच्छी अच्छी जगह अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, और यहाँ लोग सब देख ही रहे कितने लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बगल से ही आए हैं। आज हम हमारे खास मेहमान जो हमारे पत्रकार साथी भी हैं, बड़े भाई के समान भी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस पार्क में काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि पूर्णिया में बहुत कम की संख्या में पार्क है। और हम जो आज बात करने वाले हैं उसमें बात ये करेंगे कि पूर्णिया में इतनी संख्या में लोग आते हैं, लोगों को जगह नहीं मिलता है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो इस संबंध में हमारे जो पत्रकार साथी हैं, बड़े भाई के समान, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या और पार्क में बदलाव होना चाहिए और क्या इसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। जी बताइए, ये जो पार्क है, सबसे पहले तो आपको कम से कम वक्त जो है इस पार्क में आकर और बेहतर बच्चा एक बड़ा हब के रूप में चल जाती है बढ़ते दुनिया में। दुनिया सबसे जो इम्पोर्टेंट हम मैं एक वेल्थ सिटी के रूप में पूर्णिया दिख रहा हूँ, तो उस बीच लोगों को एक मनोरंजन का जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो मनोरंजन के प्लेटफॉर्म के लिए एक यही सा पार्क लोगों को दिख रहा है। तो जो आसपास नियरेस्ट है और नेवालाल से भी करीब है, लोग आते तो हैं, लेकिन आने के बावजूद जो लोगों को कम से कम और भी ज़्यादा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं सिंचाई की इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्या लगता नहीं है गवर्नमेंट को इस पार्क को और डेवलपमेंट करना चाहिए?
क्या बच्चों के लिए और भी ज्यादा मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए? तो आपके माध्यम से सरकार से यही मांगे कि पार्क को और डेवलपमेंट किया जाए, बड़ा किया जाए, ताकि पूर्णिया धीरे धीरे एक बड़ा हब बनता जा रहा है। इसमें बच्चों का भी मनोरंजन होता रहेगा, उसके साथ साथ आम लोगों का भी मनोरंजन। और कुछ बच्चियाँ भी हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जानेंगे। जी बताएं, क्या है, क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि इस पार्क को और डेवलप करना चाहिए। नितीश अंकल से क्या कहेंगे? अभी जो आप आए हैं यहाँ, क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ पे हमको मजा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे और भी झूला होता तो हम और भी मजे करते। कहाँ से आए हैं आप? हम सुभाष नगर से आए हैं, पूर्णिया, सुभाष नगर पूर्णिया से आए हैं। क्या नाम है? तो मेरा नाम है प्रेक्षा प्रसाद, स्टैंडर्ड 5। जी आप बात सर बताएंगे क्या क्या देख रहे हैं, क्या कमी है, क्या और डेवलप होना चाहिए? आई थिंक कि पॉपुलेशन जितने उतना नंबर ऑफ झूला वगैरह बहुत कम है, और उसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि भीड़ एक तो कोरोना ऊपर से भीड़ हो जाती है, अगर ज़्यादा होता तो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो पाती, बट अभी है नहीं तो सब करना है। कितने दिन से आप लेकिन कोई इशू नहीं, कोई ज़्यादा लोगों के बीच अच्छा डेवलपमेंट की हम बात करें तो क्या इस पार्क में गवर्नमेंट को और क्या डेवलप करनी चाहिए या इसको बढ़ाना चाहिए? क्योंकि पूर्णिया एक जो है मेट्रो सिटी के रूप में तब्दील हो रहा है, तो क्या उस सिटी जब एक तब्दील के रूप में हो रहा है तो एक पार्क को भी बड़ा सिटी तब्दील के रूप में करना चाहिए? अगर आप सिटी को मेट्रो सिटी से कंपेयर करें तो पार्क में मेट्रो सिटी के पार्क में और यहाँ के पार्क में दोनों में डिफरेंस है। फिर यहाँ पे जैसे झूले की नंबर स्पेस बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे बहुत कम है। क्या मांगे हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहते हैं? आई थिंक नंबर ऑफ पार्क इंक्रीज करें, पूर्णिया में बहुत कम पार्क्स हैं और जो है वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो नंबर इंक्रीज करें। यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, और हम बात करते आइए हम आप आपको दिखाते हैं कि ये लोग आए हुए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और पार्क में क्या क्या सुविधा है। बताइए आप यहाँ आए हुए कहाँ से आए हुए हैं, क्या क्या पार्क में देखने के लिए मिलता है? उसकी बात से आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, एंजॉय हुआ बहुत। पार्क में क्या क्या खास सुविधा है? खास सुविधा है, सब चीज़ें हैं। और क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए क्या, बच्चे लोग को और कुछ खेलने के लिए ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए। अच्छा कोरोना को लेकर इतना दिन सब घर में रहे और इस साल लोग खुल के आ रहे हैं घूम रहे हैं, तो क्या डर भी लग रहा है? नहीं अभी तो कुछ डर नहीं लग रहा। तो आप लोग क्या मास्क सैनिटाइजर इस सब का यूज कर रहे हैं? सब यूज कर रहे हैं। बाबू आप बताइए। मैं यहाँ पर आई हूँ आज। जी बोलिए 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 बाबू। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे झूले हैं और मैं यहाँ पर बहुत मजा। और कुछ चाहते हैं जो होना चाहिए इस पार्क में? झूला, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे झूला। आप बताइए मैम। हाँ बच्चों के लिए और थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, खेल कूद का और थोड़ा सा सामान होना चाहिए, छोटे बच्चे के लिए तो थोड़ा सा मिले, और एक बेसिन वगैरह हाथ धोने के नल बेसिन वो सब लगना चाहिए यहाँ, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पार्क है ये, यहाँ पर सारा सब कुछ मौजूद है, बस पानी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाथ पैर धोने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी सब तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पार्क है। पानी की सुविधा होनी चाहिए? इधर थोड़ा देखते हैं। पानी की सुविधा और ऐसे बहुत नीट एंड क्लीन है पार्क, और खास करके लेडीज लोग के लिए यहाँ पे टॉयलेट का सुविधा होना चाहिए। क्या नाम है, कहाँ से आए? हम लोग खुशकी बाग से आए। अब यहाँ आए हुए हैं पार्क में, पार्क में क्या सब चीज खास देखने के लिए मिला आपको? मुझे यहाँ पे चप्पी पॉट मिला, फिर बहुत सारे झूले मिले, मुझे बहुत मजा आया। कहाँ से आए? हम खुशकी बाग से आए। जी आप बताइए। नहीं हर चीज़ का सुविधा है पार्क में, खेलने वेलने के लिए भी सब कुछ सुविधा है, लेकिन वॉशरूम का एकदम वॉशरूम होना ही चाहिए, होना चाहिए एकदम, जो भी है टूटा फूटा है इसलिए बहुत दिक्कत होता है, सिर्फ वॉशरूम वैसे सब कुछ ठीक है, और एक दो झूला होगा तो और ज़्यादा बच्चे लोग और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। भैया पार्क तो बहुत अच्छा है, बस यहाँ बोटिंग की सुविधा चाहिए, ठीक है बोटिंग होना बहुत ज़रूरी है बच्चे लोग को इंजॉय के लिए, ठीक है भैया बोटिंग की सुविधा और बाथरूम बहुत जरूरी है, पार्क बहुत अच्छा है, हम लोग बराबर ही बच्चे लोग को लेके आते हैं, बहुत है। पार्क बहुत अच्छा।
तो आज हम खत्म करते हैं। 2021 का पहला संडे था, हम थे फन सिटी पार्क में। नमस्कार।